रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दिल्ली जेल वार्डर भर्ती के लिए। अगर आपने भी फॉर्म भरा था इसका, तो फॉर्म इसके कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बारे में मैं पूरी बातें आपसे करूंगा कि क्या क्या चीजें इसमें फिजिकल में होगी, रिटन एग्जाम में क्या होगा और आगे इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नियमित मेरे स्टूडेंट है वो पूरा देखिए वीडियो। अगर आपने भी ये फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो सबसे पहले तो पहले फिजिकल होगा या लिखित परीक्षा होगी, ये अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, बट ये बातचीत चल रही है, इस तरह की चीजें सुनने में आ रही है कि पहले इसमें फिजिकल करवाया जा सकता है, क्योंकि फिजिकल के लिए ग्राउंड की तैयारियां चल रही है। फिजिकल कब तक हो सकता है? तो फरवरी लास्ट में या मार्च में इसका फिजिकल भी करवाया जा सकता है। और अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि जब तक हम बेरोजगार हैं तब तक हमारे लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इसमें लापरवाही करते हैं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर बच्चों ने रिटर्न एग्जाम में बहुत मेहनत की लेकिन फिजिकल की तरफ ध्यान नहीं दिया और रिजल्ट आने के बाद 15 दिन बाद फिजिकल करवा लिया और निराश होना पड़ा 90% से ज्यादा बच्चों को। तो हमारे साथ इस भर्ती के दौरान भी ऐसा कुछ किया जा सकता है, हो सकता है। तो हमें दोनों तैयारी साथ साथ करनी है, फिजिकल भी करना और रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी करनी है। कोई सा भी पहले हो उसी के लिए हमें तैयार रहना है, और जीतता वही है आखिर में जो हर तरह से तैयार रहता है। जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है वो रिटर्न की तैयारी नहीं करे, बाद में रिटर्न पहले करवा दिया जाए तो वह सफल हो सकते हैं। इसका उल्टा भी, फिजिकल कोई पहले करे नहीं, रिटर्न की तैयारी करे, बाद में फिजिकल जल्दी करवा लिया जाए तो भी वो सफल हो सकता है। तो हमें ध्यान देना है दोनों तैयारी एक साथ करने पे। लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा? तो जेल वार्डर का जो पेपर होगा उसके अंदर 200 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, 5 पार्ट होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जीके जीएस, उसके लिए 40 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में हिंदी 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग सबके 40-40 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 5 पार्ट के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये 5 पार्ट 40-40 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, बहुत ही आसान सा इसका लेवल है। उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा? तो फिजिकल क्वालिफाई है सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से थोड़ा सा आसान है। पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, वही 6 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 13 फीट और हाई जंप होगा 4.25 फीट। बेटियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट का टाइम होगा, 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का हाई जंप होगा। तो ये सिर्फ फिजिकल है इसमें। अब इसके बाद में आपको तैयारी कैसे करना है? तो रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर में है, हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, रिटर्न एग्जाम और फिजिकल दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। साथ में बहुत ही जल्दी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी एक वैकेंसी और आने वाली है। जो वैकेंसी अभी कंप्लीट हो रही है इसकी भी ज्वाइनिंग हो सकती है बहुत जल्दी, और नई वैकेंसी 5000 के आसपास और निकलने वाली है। तो उसका भी सेम यही सिलेबस, लगभग रिटर्न एग्जाम का भी है यही सिलेबस, उसका भी फिजिकल का भी है, और साथ में आरपीएफ की वैकेंसी। तो तीनों वैकेंसी की तैयारी एक साथ करने के लिए रिम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इससे संबंधित अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर एकेडमी का एक जो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।